नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। शादी, मुंडन या अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में हथियार लड़ाया तो हत्या या हत्या के प्रयास के आरोप बन सकते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाने और इसके लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सिंह ने बताया कि अकारण हथियारों के प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति बेहद घातक है, इससे अमूमन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है और हर घंटे लगभग 51 FIR दर्ज किए जा रहे हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, साइबर अपराध के दर्ज मामले भी तेजी से बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि हुई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष अनंत किशोर ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि राज्य के कुल 439 माध्यमिक और 7 उच्च माध्यमिक स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसका फैसला बोर्ड ने सोमवार को एक बैठक के दौरान लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन स्कूलों को मान्यता इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि उन्होंने नियमों के अनुसार स्कूलों को नहीं चलाया। जांच के बाद पाया गया था कि इन स्कूलों में कई कमियां थी, जैसे टीचरों की कमी, क्लास की कमी, संसाधन की कमी आदि अन्य बुनियादी कमियों के कारण इन स्कूलों को बंद किया गया है। अपराध जासूस CID में फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाने के लिए लोकप्रिय अभिनेता दिनेश फडणवीस का मंगलवार को निधन हो गया। लिवर खराब होने के बाद अभिनेता ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। CID पर फ्रेडरिक्स का किरदार निभाकर दिनेश एक घरेलू नाम बन गए और लगभग 20 वर्षों तक शो का हिस्सा रहे। इंडिया गठबंधन की कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आहूत की है। बैठक में 5 राज्यों के हालिया चुनाव नतीजों पर मंथन और आगामी रणनीति पर चर्चा होनी है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने बीमार होने के कारण दिल्ली न जाने का फैसला किया है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौट गया है। सफलतापूर्वक मिशन के बाद इसरो को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सोशल मीडिया एप्स में इसरो ने पोस्ट किया, चंद्रयान 3 मिशन CH3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल ने एक सफल चक्कर लगाया। एक और अनूठे एक्सपेरिमेंट में PM को चंद्र कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में लाया गया। बता दें कि अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई 2023 को SDSC SHAR से LBM-3M4 वाहन पर लॉन्च किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 कार्यक्रम के साथ ही STET व DLED प्रवेश परीक्षा समेत कई परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा अगले वर्ष से 2 बार होगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। पहला STET 1 से 20 मार्च 2024 तक होगा। इसके लिए 14 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। रिजल्ट मई 2024 में जारी होगा। वहीं दूसरे STET के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा 10 से 30 सितंबर तक होगी। जैवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह को सलाह दी है। नीरज चोपड़ा ने बुमराह को सलाह देते हुए बताया कि आप अपनी गेंदबाजी की रफ्तार और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। बुमराह अभी ही अपनी गेंद से कहर ढाल सकते हैं, अगर उनके पास और अधिक रफ्तार आ जाए फिर तो कमाल हो जाएगा। नीरज चोपड़ा से जब पूछा गया कि उनके फेवरेट तेज गेंदबाज कौन है तो उन्होंने बुमराह का नाम लिया। इसके अलावा नीरज ने बुमराह को एक मुख्य सलाह भी दे डाली। नीरज ने कहा कि अगर बुमराह को अपनी गेंद की रफ्तार बढ़ानी है तो इसके लिए वह लंबा रन अप ले सकते हैं। बीती देर रात बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की स्क्वाड गाड़ी रोहतास के परसदुआ थाना इलाके में अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गए, जिसमें ड्राइवर जमालुद्दीन खान की मौत हो गई जबकि अन्य 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि 4 घायल पुलिसकर्मी में 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिनका इलाज फिलहाल सासाराम के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि इस घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मंत्री जमा खान कैमूर में अपने गृह क्षेत्र चैनपुर का दौरा करने आए थे और पटना लौट रहे थे। एडटेक कंपनी बायजूस पिछले कुछ समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। बायजूस अगले साल मार्च तक कंपनी ऑपरेशंस के लिए 600 से 700 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की प्रक्रिया में है। मीडिया में चल रही खबरों में इस बारे में जानकारी दी गई है। इस बीच कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने हाल ही में सैलरी का भुगतान करने के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों के घर और अचल संपत्तियों को गिरवी रखा है। घर और कुछ अन्य अचल संपत्तियां गिरवी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि नौसेना भारतीय परंपराओं के अनुरूप अपने रैंक के नाम रखेगी। उन्होंने कहा कि देश गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और पहली बार नौसेना के पोत की कमान संभालने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति करने की सराहना की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गैंगस्टरों और गैंगस्टर से आतंकवादी पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले के संबंध में हरियाणा और राजस्थान में ईडी लगभग 1 दर्जन स्थानों पर तलाशी ले रहा। बता दें कि ईडी ने राजस्थान और हरियाणा में 13 जगह पर बिश्नोई गैंग के सदस्यों और सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उन पर खालिस्तानी संगठनों से सांठगांठ और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री के साथ आईसीईटी की समीक्षा करेंगे। आईसीईटी भारत और अमेरिका की साझेदारी का एक महत्वाकांक्षी पहल है। व्हाइट हाउस ने कहा आईसीईटी अमेरिका भारत साझेदारी में एक मील का पत्थर है। आईसीईटी को रणनीतिक सुरक्षा और प्रौद्योगिक सहयोग के तौर पर देखा जाता है। साल 2023 का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरू हो चुका है। ऐसे में अपने सभी जरूरी काम को साल के खत्म होने से पहले ही निपटा ले, ऐसा न करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नए साल 2024 की शुरुआत के साथ अगर आप भी अपने लिए कोई समस्या नहीं चाहते हैं तो जल्द से जल्द 31 दिसंबर तक कुछ फाइनेंशियल कामों को जरूर निपटा लें। ऑनलाइन भुगतान से लेकर बैंक संबंधित कई काम है जिन्हें आपको समय रहते कर लेना चाहिए। भारत और अमेरिका के शीर्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रगति की जानकारी दी। सोमवार को जारी बयान के अनुसार रायमोंडो और गोयल ने 30 नवंबर को भारत अमेरिका सीईओ मंच की ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। इससे पहले नई दिल्ली में मार्च 2023 में इसकी बैठक हुई थी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह यह अब तक के सबसे निचले स्तर 83.41 रुपए पर पहुंच गया है। इसमें शुरुआती कारोबार के दौरान ही 3 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को यह डॉलर के मुकाबले 83.38 रुपए पर बंद हुआ। आयतकों द्वारा डॉलर की भारी मांग के चलते यह गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक बुधवार से मौद्रिक नीति की समीक्षा शुरू कर देगा। इसका नतीजा शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे केन्याई राष्ट्रपति विलियम सामोई रुतो को आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। बता दें केन्याई राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। केन्या के किसी राष्ट्रपति को बीते 6 सालों में यह पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना है। इस दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और केन्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। केन्या की आजादी से पहले से हमारे बीच विभिन्न स्तरों पर राजनयिक संबंध थे। दुनिया भर में हर साल 5 दिसंबर के दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर मृदा के स्वास्थ्य के प्रति किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो वर्ष 2002 में एक पहल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की ओर से विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की गई थी। कृषि एक्सपर्ट्स की माने तो मिट्टी खेती का एक अभिन्न हिस्सा है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी फसल उतनी ही अच्छी होगी। भारतीय अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल समेत 3 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और रोजगार आधारित वीजा के लिए देशों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय विधेयक पेश किया है। यदि यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाता है तो इससे उन हजारों भारतीय अमेरिकियों को मदद मिलेगी जो ग्रीन कार्ड या अमेरिका में अस्थायी निवास के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति और जयपाल के साथ सांसद रीच मैकार्मिक ने सोमवार को यह विधेयक पेश किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2024 के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके चलते हज यात्री 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई है जो कि 20 दिसंबर तक चलेगी। केंद्रीय हज कमेटी के सीईओ लियाकत अली ने इस बारे में जानकारी दी। हज के लिए 70 साल या इससे अधिक उम्र वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर हज से संबंधित सारे दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में धोनी की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और फैंस धोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एमएस धोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो उनके दोस्त की बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में धोनी काफी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ इस वीडियो में 3 लोग और दिखाई दे रहे हैं। धोनी के दोस्त उनको केक खिलाते हुए भी दिख रहे हैं। धोनी का ये मस्ती भरा अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जेईई मेंस जनवरी परीक्षा फॉर्म में अगर गलती हो गई हो तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए काम की अपडेट है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जनवरी सेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए कल 6 दिसंबर 2023 से सुधार विंडो ओपन हो रही है। एनडीए की ओर से यह सुविधा 8 दिसंबर 2023 तक चलेगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को इस तारीख तक आवेदन पत्र में सुधार करना होगा। इसके बाद लिंक को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। देशवासियों के लिए खुशखबरी है, भारत ने पहली बार स्टॉक मार्केट में इतिहास रचा है। दरअसल भारत की इकोनॉमी पहली बार $4 ट्रिलियन पार कर गई है। यह देश के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को साल 2025 तक $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक टारगेट पूरा कर लिया गया है जो बड़ा माइलस्टोन है। अब हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वही इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 5 दिसंबर तो सुबह शेयर बाजार में शुरुआत के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिली और 303 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 69,168 के स्तर पर खुला और जल्द ही 69,381 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 122 अंक से ज्यादा की छलांग लगा अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20,702 पर पहुंच गया। पठान और जवान की सफलता के बाद लोग शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी ये मच अवेटेड फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। कुछ समय पहले ड्रॉप 1 के नाम से फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद से इस फिल्म को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। वहीं अब मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज करके किंग खान के फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है।
बजाज समूह की कंपनियों का मार्केट कैप सोमवार को पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया। वर्तमान में केवल चार अन्य बिजनेस ग्रुप का ही मार्केट कैप 10 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। इन ग्रुप में टाटा समूह, मुकेश अंबानी का रिलायंस समूह, HDFC और अडानी समूह शामिल है। बजाज ग्रुप की कंपनी के शेयरों में बजाज ऑटो में सबसे अधिक उछाल देखा गया है, जो इस साल 72% से अधिक था। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में 12% और 9% की वृद्धि हुई, जबकि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और महाराष्ट्र स्कूटर्स में 36% और 74% की वृद्धि हुई। गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया सिक्योरिटी कोड रिलीज किया है। कंपनी ने जिसे दिसंबर सिक्योरिटी अपडेट नाम दिया है। गूगल के अनुसार इस सिक्योरिटी कोड में एंड्रॉइड फोन्स की 85 खामियों को ठीक किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण CVE-2023-40088 प्रॉब्लम शामिल है। आपको बता दें, गूगल के सिक्योरिटी कोड में कंपनी ने उन 16 दिक्कतों को भी ठीक किया है जो एंड्रॉइड सिस्टम में सबसे बड़ी थी। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने विपक्ष पर हमलावर रुख अपना रखा है। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको इन लोगों से विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। पीएम ने इशारों में कहा कि लोगों की समझदारी ऐसी है कि उन्हें आगे कई और चुनाव हारने पड़ सकते हैं। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी वृद्धि 7% तक पहुंचने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में S&P ने मार्च 2024 तक वित्त वर्ष में 6.4% जीडीपी वृद्धि देखी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.2% थी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6.9% पर पहुंचने से पहले 6.4% बनी रहेगी और 2026-27 में 7% पर पहुंच जाएगी। BCCI के सचिव जैसा को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बोर्ड ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि BCCI के मानद सचिव जैसा को स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए बधाई। भारतीय खेल प्रशासन में इसके भी शख्स के लिए पहली बार यह सम्मान, वास्तव में वह इसके योग्य हैं। हमारी तरफ पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, अनु गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मृदुल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति पहले की तुलना में कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।